90 के दशक की है ये कहानी। मुंबई से कुछ दूर एक जगह थी अनजानी, नई नई थी यहां बस्ती बसी, ना सड़क ना पीने का पानी, सबकी जान थी फंसी। लोग यहां थे काफी कम, असुविधाओं से परेशान हरदम। अमीरा रोड 1990 में जो है एकदम खंगड़ था। अमीरा रोड सर बहुत बेकार था, गंदगी था बहुत, मतलब स्थिति बहुत खराब थी। खाली एक ही रोड था सिर्फ, और इसके बाद जो सब रोडे कंकड़ पत्थर था। रोड बेड कुछ नहीं था, चल के लोग स्टेशन जाते थे आते थे। पानी का प्रॉब्लम था, अरे मच्छर का तो पूछो मत, तभी तो बहुत थे आदमी, लोग कम थे और मच्छर बहुत ज्यादा थे। हॉस्पिटल के लिए तो मुंबई साइड ही जाना पड़ता था। उस समय एक ही अस्पताल था, वो बढ़िया अस्पताल था, भक्ति वेदांता। लाइफ लाइन, ये रेलवे लाइन है मुंबई की। वैसे हमारे अस्पताल की जो लाइफ लाइन है वो भगवान के नाम की धुन है। तो वैद्यकीय सेवा और मानसिक परामर्श और आध्यात्मिक ज्ञान, ये तीन चीज़ों को मिलाकर ये हमारा मिशन जो है वो आरंभ हुआ है। 1986 में इस जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत पालघर में दुखतर नाम के एक गाँव से हुई थी, जहाँ पर हर हफ्ते हम हमारे मित्रों के साथ खुद खाना बनाकर जरूरतमंद पेशेंटों के लिए दवाई और प्रसाद का वितरण करते थे। हमारे इस छोटे से एफर्ट को देखकर हमारे चेयरमैन श्रीमान ऋषिकेश मफतलाल जी ने हमें हमारी पहली एम्बुलेंस हमें भेंट दी, और जिससे हमारे कार्य में हमें और ज़्यादा बढ़ोत मिली। हमें अपने सेवा का विस्तार करना था, और इसीलिए मीरा रोड में श्री चैतन्य सेवा क्लिनिक खोला गया। लेकिन धीरे धीरे इस क्लिनिक में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, लोगों का विश्वास हम पे बढ़ने लगा, और हमने अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। और शायद स्वयं भगवान की भी यही इच्छा थी, क्योंकि श्री निरंजन लाल दालमिया जी ने हमें इस अस्पताल के लिए जमीन दान दी, और फिर शुरुआत हो गई भक्ति वेदांत अस्पताल के निर्माण कार्य की। January 1998 जन्म हुआ भक्ति वेदांत अस्पताल का। आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण यह अस्पताल यहां सिर्फ शरीर और मन का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी इलाज किया जाता है। July 11, 2006 मुंबई की लाइफलाइन समझे जाने वाली लोकल ट्रेन में एक के बाद एक 7 बम धमाके हुए। इनमें से एक धमाका मीरा रोड और भाईंदर के बीच हुआ। अनेकों सैकड़ों इंजर्ड पेशेंट्स यहां पर आए थे, बहुत ही बुरी तरह से वो इंजर्ड थे। इसमें से कई इतने घायल थे कि जिनको हम बचा नहीं सके। करीबन 44 पेशेंट जो है उन्होंने इस ब्लास्ट में यहाँ पर दब तोड़ दिया। 7 दिन और 7 रात ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स, ICU, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, मैनेजर्स, हर पेशेंट जो आए थे उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए वे खड़े पैर यहाँ पर तैयार थे। बस इतना ही नहीं, भक्ति वेदांत अस्पताल ने अपनी आपातकालीन सेवा मुंबई के बाहर भी पहुंचाई। बरसाना, श्रीमती राधा रानी का अपना घर। हर साल भक्ति वेदांत अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित
बरसाना धाम के ब्रजवासियों के लिए निशुल्क नेत्र और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 2007 में वहाँ पर भी डिमांड बड़ी लोगों की, हम लोग साल में एक बार आते हैं पर हमारे ऑपरेशन नहीं होते हैं पूरे। तो वहाँ के एक बुजुर्ग और मान्यवर व्यक्ति ने अपने आश्रम में हमें अपने डिजाइन के अनुसार उनके खर्चे से अस्पताल बांध के दिया। अभी 2022 में वहाँ पर 5 एकड़ जगह हमने ली है और उसको एक 100 बेड का आंखों का अस्पताल निर्माणाधीन है। श्री धाम पंढरपुर महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी। गांधी पताका घेऊनी वारी, हर साल पंढरपुर के वारी में आने वाले विठ्ठल भक्तों को भी निशुल्क मेडिकल सेवा दी जाती है। माळ तुळशीची शोभे रमलो संसारात खरा, ऐक रखमाईचा बरा तरी जीव लागी तुझा पायरी। धीरे धीरे भक्तिवेदांत अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमने एक नई इमारत बनाने का निर्णय लिया और हमारे नई इमारत का कार्य पूरा होने वाला ही था कि अचानक। साथियों ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। स्टेप जो भक्ति अस्पताल ने लिया वो ये था कि आसपास के सारे जो पड़ोसी के जो नर्सिंग जो है हॉस्पिटल्स हैं उसको सबको केंद्रित किया ताकि एक कॉमन फाइटिंग फोर्स बन जाए जिससे हम एकत्र होकर एक यूनाइटेड ड्रेस से ये भयंकर बीमारी से हमने सामना कर सके। ऐसे में भक्ति वेदांत अस्पताल ने पहल करके भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को, जो टेंबा अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसे कोविड अस्पताल में रूपांतरित किया। सिर्फ रिकॉर्ड 7 दिन में उसको अपना स्टाफ भेजकर, ट्रेनिंग देकर, सफाई करके उसको पूरा उसको जागरूक किया और पूरी वर्कफोर्स लगा के उसको ऑपरेशन बनाया सिर्फ 7 दिन में, क्योंकि वो क्या था, एक सामाजिक इमरजेंसी था। तो एक पेशेंट को याद है जो यंग नौजवान लड़का था 24 साल का, वो कोल्हापुर से, उसकी बहन यहाँ पर रहती थी मेरा रोड में, तो बहन ने कहा कि बेटा भाई तू इधर, भैया तू इधर आ जाओ। तो उन्होंने एम्बुलेंस में पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर लगा के यहाँ पे लाए और यहाँ पे कहीं दिन आईसीयू पेशेंट रहा, ऑलमोस्ट मरणासन पोजीशन में था, ऑलमोस्ट ही वाज क्वाइट ऑलमोस्ट डेड, राइट, फिर भी फॉट फाइट किया उसके लिए एंड टुडे पेशेंट इज वेरी हैप्पी एंड सर्वाइविंग एंड इन गुड हेल्थ। कोविड से हम धीरे धीरे उभरते रहे,
और इसके साथ ही साथ हमने अपने नई इमारत का कार्य भी पूर्ण किया। यह नवीन इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित है और इसके द्वारा हम बहुत सारी नई सेवाएं प्रदान करने वाले हैं और इस प्रकार से अनेकों कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। इस शिक्षा के साथ, इस अनुभव के साथ हम आज अपने अस्पताल के 25 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। और 25 साल में हमने क्या क्या पाया, इसका जब विचार करता हूं तो केवल आशीर्वाद की पूंजी। किसका आशीर्वाद? पहले तो हमने शुरुआत की तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज और प्रभुपाद के अन्य शिष्य, फिर हमारे ट्रस्टियों का आशीर्वाद, हमारे जो डोनर्स हैं इनका सपोर्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे करीबन 40 लाख अतिथि जो कि पेशेंट बनकर यहाँ पर आए, इन सबों का आशीर्वाद। The achievement of this milestone of the 25 years of the Bhaktivedanta Hospital in Mira Road is a result of their dedication and sincerity. So I pray to Lord Krishna that let this hospital keep growing and serving the humanity selflessly in the years to come. I am very grateful to this hospital because every time they have saved our life. Bhakti Vidhan Hospital la 25 varsh hota hai. Khub khub abhinandan. Jab yaha first baby hui thi jiska naam Bhakti rakha gaya tha aur mere ek friend ke ग्रैंड सन का नाम वेदांत रखा गया था। यू आर द फर्स्ट मेल चाइल्ड ऑफ दिस हॉस्पिटल। भक्ति वेदांत म्हणजे खरोखर माणसाची देखील इथे भक्ती होती असं सांगितलं तरी चालेल। I was born in Bhakti Vedanta Hospital. Happy birthday, Bhakti Vedanta Hospital!